हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 सेम 2 इंग्लिश यूनिट 1 द वर्ड अराउंड अस। इसमें हमने सब टेक्स्ट बुक के एक्टिविटी कर ली है। अब हम वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल। तो वाटर इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एग्जिस्टेंस इसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हमारे अस्तित्व के लिए जो वाटर है बहुत ही जरूरी है। व्हाट डज द वाटर फॉर्म इन आवर। वाटर हमारे बॉडी में क्या असर करता है। तो वाटर कीप आवर बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 सेल्सियस। From part of blood helps carry oxygen and nutrients to our cell and remove the waste materials from our body. तो water क्या करता है हमारे body में से temperature को बराबर रखता है और हमारे जो blood में oxygen है उसका circulation बराबर करता है और हमारे body के waste जो material वो भी बाहर निकालता है। राइट द यूजेज ऑफ वाटर। वाटर के यूज़ क्या है वो लिखो। वो तो आप सब जानते हो कि इसके वाटर हम क्या यूज़ है। फूड में, फूड बनाने में करते हैं, बर्तन और कपड़े धोने में भी इसका यूज़ करते हैं, पीने में करते हैं, प्लांट को वाटर देने में प्लांट को भी वाटर देते हैं और टॉयलेट को फ्लश करने के लिए भी वाटर का उपयोग करते हैं। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर में। वाटर का क्या यूज़ है। तो वाटर इज़ द यूज़ फॉर एग्रीकल्चर एज मच एज इन द मैटर हार्डी प्रोडक्ट्स वाइड एंड 7.1 मिलियन किलोमीटर्स इन लेंथ ऑफ द प्रोड्यूस फूड फॉर द एंड फॉर टूडे वर्ल्ड प्रोडक्शन एवरी ईयर। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ वाटर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में उसका क्या यूज़ होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज यूज द वाटर आइदर द प्रोडक्शन और डिस्पोजल ऑफ बाई प्रोडक्ट। थैंक यू।